नमस्कार गाइस, आप लोग इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेट पे जो आपकी वेबसाइट ओपन होती है वो वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, वो वेबसाइट कैसे बनती है, आज से मैं आपको ये पूरा जो है कोर्स बताऊंगा ताकि आप भी एक दिन एक वेब डिज़ाइनर बन जाएं और बहुत सारा पैसा कमाएं। गाइस, जो वेबसाइट आप ओपन करते हैं उसके लिए एक अलग सी कोडिंग होती है और वो कोडिंग जो है आपके विंडोज़ आप गाइस ये जो वेबसाइट बनती है इसके लिए एक अलग सी कोडिंग होती है और ये कोडिंग जो है ये आपके विंडोज़ में नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस, मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो है वो लगाई जाती है। और आप देखें कि क्या क्या लैंग्वेज होती है और वो कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तीन लैंग्वेज होती हैं। सबसे पहले उसको बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं उसको। दूसरी होती है CSS और तीसरी होती है जावा। इसमें जो सबसे बढ़िया काम जो होता है ये HTML का होता है। HTML जो है ये एक स्ट्रक्चर बनाती है वेबसाइट का। उसके बाद जो है CSS का काम उसके अंदर रहता है, कलरिंग वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह का, जावा का काम रहता है। लेकिन सबसे पहले आपको HTML पता होना चाहिए, HTML होता क्या है और HTML की कोडिंग कैसे लगाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। HTML जो है वो सबसे पहले HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो है ब्राउज़र की अपनी कोडिंग होती है, उसकी लैंग्वेज होती है जिससे ब्राउज़र समझता है कि मुझे क्या कर रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सब स्टार्ट करते हैं। लेस देन आपने लिखना है यहाँ पे HTML और ग्रेटर देन वन। ये चीज़ आप याद रखें जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं इसमें, और उस चीज़ को वो चीज़ जो है हमेशा बंद की जाती है। सबसे पहले मैं चार बैंड टैग बताऊंगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले HTML आपने लिखा और इस HTML को आपने सबसे लास्ट में बंद भी करना। बंद कैसे करना है आपने, ये स्लैश HTML और ग्रेटर देन, ये बंद हो गया। अब इसके बीच में जो भी आएगा तो इसके बीच में ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसकी दूसरी टैग जो है वो हेड की टैग होती है, मतलब हम हेडिंग करते हैं। लेकिन हेड आपको पता है, हेड यहीं तक हो सीमित हो सकता है ना, हेड यहाँ नीचे तक सीमित नहीं ना हो सकता है। इसके बीच में हमारा प्रोग्राम आएगा उसको तो हेड बोलेंगे नहीं, हेड तो ऊपर ही आएगा। उसके बाद आता है टाइटल, टाइटल उस टाइटल को भी बंद करेंगे क्योंकि टाइटल ऊपर ही रहता है। जैसे आपने यहाँ देखा हमारा नोटपैड यहाँ पे न्यू वन आ रहा है, ऐसे ही हमारा जो है ऊपर जो है वो टाइटल हमने क्या रखना है, वो टाइटल हमने यहाँ लिखना है। हम टाइटल को बंद करते हैं, टाइटल को हमने बंद किया। अब इसके बीच में ये चीज़ आप याद रखें, जब भी कोई चीज़ बंद होती है, स्टार्ट होती है और बंद होती है, उसके बीच में लिखा जाता है, कुछ भी आपने कोड लगाना है, प्रोग्राम कुछ भी टैग लगानी है, तो वो जो वो टैग आएगा वो इनके बीच में आता है। टाइटल क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम और ये आया ना। अब इसको एक और चीज़ रह गई आप यहाँ पे बंद करने के लिए, हेड, और वो हेड जो है क्योंकि ये बीच हेड के बीच में ही आएगा, ये हमने हेड को बंद कर दिया। ये रही तीन टैग आपकी, HTML, हेड और टाइटल, ये तीन टैग। और चौथी टैग मैं आपको बताऊंगा, चौथी टैग जो है उसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी टैग। अब मेरे दोस्तों ये जो हमने बॉडी लिखा और इस बॉडी को हमने यहाँ बंद कर देना क्योंकि इस ये जो बीच में हमारी आएगी बॉडी, इस बॉडी के बीच में हमने लिखना है, फिर हम यहाँ पे बॉडी को बंद करेंगे। देखिए गाइस, पहले पहले आपको मुश्किल लगेगा, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस पर कंटिन्यू काम करते रहेंगे, बार बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद कि ये बहुत ही आसान चीज़ है। जब मैंने अब ये बॉडी आई है ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिकम ए वेब डिज़ाइनर, मैंने ये लिखा। इसके बीच में कुछ भी लिखो आप, कुछ भी
कुछ भी लिखो, जैसे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो ये मैंने लिखा, अब हम इसको सेव करते हैं। देखो ये HTML, जी ब्राउजर की कोडिंग है ये, इसको हमने अब सेव करना है यहाँ पे सेव। और मेरी बात आप याद रखिए, जब भी हमने कोई फाइल सेव करनी है किस नाम से करनी है, डॉट HTML उस पर लिखना ही लिखना है। जैसे मैं लिखूंगा माई फर्स्ट वेब पेज, है ना। अगर ऐसे लिखेंगे है तो हमारा जो है ये कभी भी सेव नहीं होगा, इसको हमने डॉट HTML करना है, डॉट HTML, डॉट HTML के नाम से हमने सेव, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप में यहाँ पे। और यहाँ पे हमने HTML जो है ये लैंग्वेज है ब्राउजर की। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है यहाँ पे ये जो पेज है ये डेस्कटॉप पे वेबसाइट आ गई है। अब हम इसको ओपन करते हैं। आपने देखा बिकम ए वेब डिजाइनर, ये हमने वहाँ पे लिखा था। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, आपने एक चीज देखी यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ये जो है दो लाइनों में लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट दो लाइनों में लिखा है, लेकिन हमारा जो वहाँ पे एक ही लाइन में आ गया, हमारा यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया, ये क्यों। बट अब अगर हमने इसको दो लाइनों में, तीन लाइनों में करना है, तो हमें लाइन ब्रेक करना है, तो लाइन ब्रेक कैसे होता है, आप लेस देन बी आर और ग्रेटर देन, सॉरी मैंने कहा पे, अगर आपने लाइन ब्रेक देनी है, आपने दो लाइनों में लिखना है, चाहे आप यहाँ पे एक ही लाइन में क्यों ना लिखे, देखिए देखिए, है ना, चाहे आप यहाँ एक ही लाइन में क्यों ना लिखे, लेकिन अगर अगर आप यहाँ पे लाइन ब्रेक डालते हैं, वहां पे जो है लाइन ब्रेक डालना है, उसके लिए आपको एक टैग लिखनी है, उसको बोलते हैं बी आर टैग, बी आर टैग। यहाँ पे लाइन ब्रेक दिया आपने, मैं को लाइन ब्रेक यहाँ पे दे देता हूँ, दो लाइन ब्रेक होगी। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव एज करते हैं इस टाइम हम इसको। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, आपने देखा यहाँ पे दो लाइन हमने ब्रेक डाली थी और दो लाइनें नीचे आ गई इसकी, ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है ये जो बैकग्राउंड पेज का बैकग्राउंड जो है इसको कलर में डालना, किसी को कलर डालना है इसमें, तो कलर आप ऐसे डाल सकते हैं, ये जो बॉडी है यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है BG कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर मैं अभी बोलता हूँ मेरा ब्लू होना चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी का डालना है ना, आपने बॉडी में डालना है ना आपने कलर। हम उसको सेव करते हैं, हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। आपने देखा ये जो ब्राउजर को हमने कमांड दी कि हम बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लू करना चाहते हैं, तो इसने सुन ली हमारी, क्योंकि हमने सही टैग लगाई। वैसे ही अगर हमने ये जो है ये बिकम ए वेब डिजाइनर, इसको अगर हमने हाईलाइट करना है, इसको कलर में बनाना है या और इसको बड़ा लिखना है, तो उसको कैसे करना है, उसको जैसे आपने यहाँ तक इसको करना है बिकम ए वेब डिजाइनर, सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के लिए आपको बी लगाना है, बी फॉर बोल्ड, बोल्ड, और यहाँ को बी बी को कहाँ जहां तक करना है वहां पे बी को बंद करना, बंद कैसे करना है मैंने आपको बता दिया पहले ही, स्लैश डाल के बंद करना है। और अब हम इसको सेव करते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया ये। हम आपको एक एक चीज बताएंगे आपको, क्योंकि स्टार्टिंग है, आपको स्टार्टिंग में समझ आना बड़ा मुश्किल है, आपको बता देते हैं। इसमें आप सोच रहे हो कि मुझे ये इसमें कलर डालना है और इसको मुझे साइज भी बड़ा करना है, वो कैसे करना है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आइए आप बी से पहले, यहाँ पे एक टैग और शुरू करिए, यहाँ लिखिए फॉन्ट टैग, फॉन्ट साइज इक्वल टू, मैं 10 का रख देता हूँ, ओ सॉरी, फॉन्ट साइज
मैं 10 का रख देता हूँ और कलर में डालता हूँ, कलर में डालता हूँ इसमें रेड रेड। ठीक, अब यहाँ इसको क्लोज, यहाँ पे क्लोज करना है, कहाँ पे इसको, बी के बाद क्लोज कैसे करना है, फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट को क्लोज करना है हमने। अब देखा आप, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट को शुरू किया, इसमें फ़ॉन्ट साइज 10 बताया, कलर रेड बताया, फिर बोल्ड भी शुरू किया, फिर हमने इसको बोल्ड को यहाँ पे बंद किया, ये यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे बंद होगा, ये यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे बंद होगा। अब हम इसको सेव करते हैं। चलिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको। आपने देखा, बिकम ए वेब डिजाइनर, इसका कलर भी दूसरा आ गया, रेड आ गया, और जो है इसका जो फॉन्ट भी है वो बड़ा कर दिया हमने। आज के लिए आपको इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी है वो कैसे लगाएंगे, आपको आपको जो है वो लिंक क्रिएट करना है वो कैसे करेंगे, अभी बहुत कुछ सीखेंगे आप, बट अभी स्टार्टिंग है, आपको इतना ही, अभी स्टार्टिंग है, आपको इतना ही सीखना चाहिए। आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, समझ में नहीं आया होगा, या मुझे मेरा कोई तरीका पढ़ाने का ठीक नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।